Hey guys, what's up? I hope you are doing well. So good news for you. AAI वालों ने क्या करा है? अपना official syllabus release कर दिया है, right? So मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ सब चीज़. So before that, let me tell you one important information, right? Which is also important for you. That is what हमने अपना test series launch कर दिया है AAI ATC के लिए. 40 plus test series दे रहे हैं properly, right? Based on previous year analysis or based on our जो teachers expert उनके analysis के basis पे. और फिलहाल 57% ऑफ चल रहा है. इट्स 299 रुपीज का लिंक में डाल दूंगा फर्स्ट कमेंट डिस्क्रिप्शन. जरूर बाय करिए, राइट? आपको बाय करना चाहिए और टेस्ट जरूर देना चाहिए. नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेबस की. बात करते हैं, देखो सारे का सिलेबस दे चुके हैं और इनका सिलेबस का जो लिंक है पीडीएफ का लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में ताकि आप डाउनलोड कर पाए. लेकिन मैं कुछ इसे बताना चाहूंगा इस वीडियो को बना रहा हूँ, अदरवाइज मैं कमेंट टाइम में डाल देता. तो आपके पार्ट वन है 50% वेटेज है, पार्ट टू क्या 50% वेटेज है, ये आपका बता रखा है कि भाई इंग्लिश में क्या पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस क्या पढ़ना है, एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है और जनरल अवेयरनेस में आप टॉपिक नहीं हो तो मतलब लिमिट नहीं है, कुछ भी मतलब आ सकता है, राइट? अच्छा, यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है. मान लो इंग्लिश लैंग्वेज ये जो टॉपिक रखा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसके बाहर क्या नहीं आएगा? आएगा भाई, ईटीसी लिखा हुआ है. अगर बात करें रीजनिंग की तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके बाहर नहीं आएगा, आएगा, राइट? तो सिमिलरली आपका एप्टीट्यूड में वही है, सिर्फ तीन दे रखा है लेकिन आगे और आ सकता है, कुछ और भी ये अंदर डाल सकते हैं. सेम बात करते हैं फिजिक्स के बारे में. इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड देयर प्रोपगेशन, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, लॉज ऑफ मोशन, स्केलर्स, वेक्टर्स, स्टैटिक डायनामिक्स, ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये तो आपको करना ही है. बिकॉज फिजिक्स का मतलब की बात कर रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक है. फिजिक्स एक ऐसा पार्ट है जो गेम चेंजर बोला जाता है. फिजिक्स की ये टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है. इवन मैं जो वीडियो बना के दिया था आपको पीछे, उसने बताया था कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है लगभग हर बार, चाहे आप 15 की बात करें, चाहे 18 की बात करें, मैंने सारे पेपर एनालिसिस किया हुआ है. तो ये टॉपिक आपको करना है, अच्छे से छोड़ना नहीं. लेकिन इसके अलावा जो टॉपिक है वो भी करके जाओ थोड़ा सा. ये टॉपिक करोगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, आई होप सो, हमारे वीडियोज भी देखे होंगे प्रीवियस ईयर के, तो आपको पता लग गया होगा क्वेश्चन कैसे आते हैं, कहाँ से आ रहे हैं क्वेश्चन, राइट? लेकिन 15 का और 18 का पर देखेंगे तो गेम चेंज मतलब अलग है टोटली. ये कहीं थर्मोडायनेमिक्स का इतना क्वेश्चन दिया है, इसमें थर्मोडायनेमिक्स के लगभग क्वेश्चन नहीं, और इसमें सिलेबस में बता नहीं थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आएगा इसमें, राइट? तो आपकी बार भी लगता है 18 ऐसे ही पेपर आएगा, 15 ऐसे पेपर आने के चांसेस कम है मेरे हिसाब से. मैथमेटिक्स में देखिए ये बता रखा है, लेकिन मैथमेटिक्स में बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चन आया है पहली बार, मतलब पिछले बार भी, और इसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं छोड़ना है. परमुटेशन, कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये तो करके जाना है आपको. और ये तो इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, बट अब देखो जिसमें आपका आप फैमिलियर है आप वो कर सकते हैं. ये था सिलेबस, मैं लिंक डाल दूंगा टेस्ट सीरीज का भी, आपका सिलेबस का भी इन द डिस्क्रिप्शन, जरूर चेक करिए. एंड दोस्तों जरूर शेयर करिए, लाइक कर दिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दो. थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहो. बाय बाय.